रहमान रहीम आज 6 मई 2020 12 रमज़ान 1441 सौ पिछले 24 घंटों में हमने तीन टेस्ट किए इससे पहले तक अड़सठ टेस्ट हम कर चुके थे इस तरीके से टोटल बहत्तर टेस्ट आज तक हम कर चुके हैं आज से 24 घंटे पहले तक टोटल 8,189 इंफेक्टेड इन्फेक्टेड लोग थे और पिछले 24 घंटों में ये चार सौ है जो कि बारह अशारिया तीन फ़ीसद हैं जितने लोग हमने टेस्ट किए उनका इस तरीके से टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद सुबह सिंध में 8640 है अभी तक सत्रह सौ इकतीस अफराद सेहतियाब हो चुके हैं जो कि 20 फीसद है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का पिछले 24 घंटों में क्योर होने वालों की तादाद साठ थी पिछले 24 घंटों में नौ लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वायरस से और इस तरीके से सुबह सिंध में ये टोटल तादाद वो लोग जो वफात पा गए हैं करोना वायरस से उनकी तादाद हो गई है एक और ये बनती है एक अशारिया आठ फ़ीसद जो हमारे इंफेक्टेड केस, है केस हैं उनका टोटल छः एक्टिव केसेस हैं जिनमें से 5528 होम आइसोलेशन में हैं 1721 आइसोलेशन सेंटर्स में जो गवर्नमेंट वन आइसोलेशन सेंटर्स हैं और 503 लोग मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं इन 503 में से 89 क्रिटिकल केयर में और 89 में 14 इस वक्त वेंटिलेटर्स में हैं सबसे ज़्यादा केसेस कराची शहर में हो रहे हैं और मैं ज़रा कराची शहर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्स का आपको बता दूं साउथ में 87, ईस्ट में 74, सेंट्रल में 68, वेस्ट में 40, मलीर में 26 और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 25 फाइव uh, कराची से बाहर जो बाकी अजला हैं उनमें शिकारपुर में 24, सखर में 19 और शहीद बेनजीर आबाद में पंद्रह केसेस हैं 2,369 लोग स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज जो हैं मुल्क से बाहर वो कराची आए हैं इनका ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है इन दो में से पाँच लोग इन्फेक्टेड हैं जिनकी शराब बाईस फ़ीसद बनती है हमें इकहत्तरा इकहत्तर दिन हो गए हैं हमें गोइंग फॉरवर्ड और एहतियात करनी है और अब हम इस वायरस की फ़ेज़ टू में आ गए हमें ज़रूर कुछ चीज़ें हमने ओपन अप किए हैं और फेडरल गवर्नमेंट के सलाह मशवरे से उनकी हिदायत से जो 9 मई वाला हमारा लॉकडाउन तक का दिन है उसके बाद जो फेज़ टू की रिजीम होगी उस पर बातचीत चल रही है जो वबा है उसकी जो डैमेज हुए हैं उनको देखा है कि जो हमारे एल्डरली हैं और जिनको और बीमारियाँ हैं जैसे हाइपर टेंशन डायबिटीज़ हार्ट का मर्ज में मुबतला है ये लोग ज़्यादा वनरेबल हैं और इनकी ज़िंदियाँ ज़्यादा जा रही हैं आप अपने बुज़ुर्गों को और उन लोगों को जिनकी कम ऑबरिटीज़ हैं उनको आपने प्रोटेक्ट करना है एक सौ सतावन मत सिंध में हो चुकी हैं बहुत गम है इन मत का मैं इन सब खानदानों से दिल की गहराइयों से अपनी ताज़ियत करता हूँ ख़ास तौर पर जो हमारे डॉक्टर हज़रा हैं जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारे पुलिस के लोग हैं इनकी जो अमवात हुई हैं ये इन लाइन ऑफ ड्यूटी हुई हैं ये अपना फ़र्ज़ निभाते हुए और हमें प्रोटेक्ट करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं ख़ास तौर पर डॉक्टर फुरक़ान का जो केस हुआ था मैं उनके ख़ानदान से ताज़ी करता हूँ और इसकी इंक्वायरी हमने कर ली है हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके शोकॉज किया जाए और उनको सज़ा दी जाए और ये प्रोसेस बिल्कुल शुरू किया ये इंक्वायरी ख़त्म हो गई है और ये प्रोसेस शुरू हो गया है जो सज़ा देने वाला है शवकास करने वाला है एक और इनिशिएटिव हम कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जो मार्केट प्लेसेस खुली हैं ग्रोसरी स्टोर्स हमने खुले रखे थे कुछ और दुकान जो हेल्थ रिलेटेड और फूड रिलेटेड थे मैंने हिदायत की है हेल्थ डिपार्टमेंट इन दुकानों पे जाके इन दुकानों की रैंडम टेस्टिंग करेगा ये इंश्योर करने के लिए कि वायरस इसलिए कि लोग इधर ही आते हैं इन जगहों पे ये वायरस फैला तो नहीं है और अगर कहीं पे वायरस फैला होगा तो वहाँ पे एहतियाती तदाबीर करनी होगी ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि उस दुकान को या उस जगह को बंद किया जाएगा लेकिन एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं एक और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी समझे कि उसे करोना के जो है आ रही हैं सिम्टम्स इमीडिएटली टेस्ट कराएं आप ये ना डरें कि टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो ख़ुदा ना खास्ता कोई स्टिग्मा अटैच हो जाएगा मेरे साथ लोग मुझसे मिलना छोड़ देंगे या मुझे हुकूमत ज़बरदस्ती उठा के कि किसी आइसोलेशन सेंटर में डाल देगी ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप घरों पर रह सकते हैं तो हम आपको घरों पर ठहराएँगे आप सबका शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद